हमारे यहाँ पर एक बुजुर्ग बाबा हैं, यहाँ बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं। बाबा इस बार का लग रहा होगा यहाँ पे कहाँ बिलची विधानसभा में? विधानसभा में हमें ना मालूम भैया क्या लग रहा है, इस बार किने किने वोट वोट दे रहे हो? हैं क्या लग रहा है इस बार? वोट वोट तो भैया मुझे तो मालूम है कि वोट पारेंगे, अब क्या पता है? अच्छा बाबा जी बताओ, हाँ सरकार से लेकर कोई परेशानी तो ना है? सब पेंशन वेंशन आ रही है आपकी? किसकी? आपकी हमारा कुछ ना है कुछ ना आ रहा है? ना, सरकार ने कोई मदद ना करी? हमारे कोई ना कुछ भी ना 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 राशन ना फाशन कुछ ना बिल्कुल कुछ सरकार ना ने कोई मदद ही ना करी आपकी? हमें हमें तो कोई भी ना लोन है तो हम पर पूरा है। अच्छा हाँ हाँ और ये है ना जैसे ये गल्ला बट रहा है, हाँ हमें आज तक ना लिया किसी ने ना दिया, गल्ले जैसे गल्ले के हमने कागज बनवाए हाँ यहाँ दिए उसे हाँ किसे? हाँ उसे मोरपाल को हाँ सफदर के हाथ भिजवाए और के हाथ भिजवाए, हमें तो गल्ला वो फाड़ के फेंक दिए, अच्छा हमें आज तक गल्ला ना मिला। अच्छा जी बताओ बाबा, आपके खेत वेत हैं? हाँ मेरा खेत यही है, यही है। हाँ यही है, इसी तक आया हूँ मैं, जैसे जाड़े के मारे आज आया हूँ 4 दिन में। अच्छा बाबा जी बताओ, तुम्हारी हाँ पेंशन ना आ रही? पेंशन 60 साल ना वाली? ना अरे नहीं ना तो रहा कुछ खर्चा खर्चा कैसे चलाते हो, है? खर्चा कैसे चलाते हो? इससे इससे चला मैं अपनी, इससे गुजर खेत कर रहे हैं कितने कि बीघा जमीन है? ये है 10-12 बीघी जमीन तो बहुत दरी बाबा जमीन है, है, लौड़े ना 4-5, चार पांच लड़के हैं। हाँ 4 लड़के हैं, नहीं उन्हें चाहे 2-2 बीघी कौन सी पड़ गांव रही में है रहते हम हो? असौली में। असौली में। हाँ अच्छा जी बताओ बाबा, इस बार क्या लग रहा है? साइकिल की लहर है, फूल की लहर है, हाथी है, कौन है? अभी तो मुकम्मल किसी की ना रहते, हाँ है वो तीनों रही हैं। तीनों हैं। हाँ अब अच्छा क्या मालूम कौन हो मैं? अच्छा आप किसे चाह रहे हो, हैं? आप किसे मना रहे हम हो? तो भैया जो यहाँ जीतता दिखाएगा उसे ही दे देंगे, हमें क्या फर्क है? अच्छा जीतता दिखाएगा उसे। हाँ उसे ही दे देंगे हम, क्या अच्छा जाने, हाँ अच्छा हमें क्या मतलब किसी से। अच्छा ये बताइए बाबा, हाँ सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाई, आप तक तो पहुंची ना है कोई सुविधा? ना हम पे भैया कोई सुविधा किसी की ना आई है, वैसे कहते हैं झूठ सच। अच्छा तो बाबा ये बताओ, हाँ जो आपके खेत में अभी यहाँ पर ये है, तो हाँ कोई गायों से लेकर कोई समस्या तो नहीं है? गायें तो बहुत है, तो उजाड़ रही है खेती को। रात रात भर जागते हो गया आप? हाँ जगना तो पड़े हैगा यहाँ भाई, गाय उजाड़ रही है और नील गाय भी उजाड़ रहा है। नील गाय ये दो दो को दो तो भैया छुट्टी है इनकी। कुछ लोग कह रहे हैं गाय से लेकर बहुत समस्या है, गाय से क्या समस्या है? जैसे ये सब चुग जाती है खेत हमारा। हाँ सब चुग जाए, गाय सब चुग जाए, उजाड़ जाए। क्या लग रहा है इस बार आपके लिए? हैं क्या लग रहा है इस बार आपके लिए? हमें कुछ ना लग रहा, हमें क्या लगेगा, हम क्या करेंगे? कुछ ना करोगे, वोट वोट ना दोगे? वोट देंगे तो जो जो जीतता दिखाएगा उसका वोट डाले आएंगे, बात करते हैं हम क्या जाने। अच्छा हाँ अच्छा नेता लोग आएंगे तुमसे पूछने तो क्या कहोगे? क्या पेंशन कहेंगे भैया, सबसे कह देंगे हम सबका देंगे दिखे और क्या कहेंगे? इधर आइए भैया। हैं हम झूठ क्यों क्या बोल नाम रहे? है आपका? मनीष यादव। हैं मनीष जी, क्या लग रहा है इस बार बिलसी में? बिलसी में देखो भैया जी, बीजेपी ने तो विशेष तरीका से कोई मदद कर ही रहा है। अगर जे किसान सम्मान निधि की जो योजना आई थी, हाँ 100 में 40 लोग इसका लाभ ले पाए हैं, अच्छा और 60% इसका इंतजार ही कर रहे हैं कि कब कागज जमा होए। और प्रति जो 1 लाख रुपया लोन माफ हुआ था, इसमें 100 में 40 लोगों का लोन माफ हुआ, 60 लोग बकाया हैं, अच्छा इंतजार कर रहे हैं। अब इस महीने के बाद उनकी मतलब दंड कार्रवाई चालू होगी, बोर मतलब कहाँ से डालेंगे। अच्छा आपने कितनी बार विधानसभा में वोट डाल चुके हो? शायद 2-3 बार डाल चुके हैं। तो ये था इस बार बिलसी विधानसभा में क्या लग रहा है? अगर ये बीजेपी वाले जो हैं अगर लोन माफ़ या तो करते हैं तो ठीक है, और अगर लोन माफ़ ना कर रहे हैं तो फिर सरकार अखिलेश की ही आन हो चाहिए वैसे तो। हाँ ये चीज़ों के नकार, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ उन मतलब ज़्यादा ही पढ़ाई उनकी अच्छी है, और वो तो सरकार अखिलेश से उम्मीद है आपके लिए? हैं अखिलेश से उम्मीद है? जी बिल्कुल भैया, अखिलेश की ही उम्मीद है। अगर ये बीजेपी वाले कोई लोन वोन, ये अधिकतर सब लोगों को फायदा ना कर रहे हैं। अच्छा हाँ चलो ठीक है, मैं आपसे बहुत बहुत बात करने के लिए धन्यवाद। पेड़ तक तो जाऊंगे। चलो 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 बाबा, हाँ धीरे धीरे चलाओ जाके ले। अरे अरे हाँ नहीं तो हाँ धीरे धीरे चल जाए। अच्छा बाबा जी बताओ, इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, योगी कह रहे हैं कि हम अब हमारी आएगी, क्या लग रही है? जाने ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला जाने किसकी आएगी कोई पता नहीं। अच्छा इलम कुछ नहीं, अल्लाह को मालूम है। हाँ उसे ही मालूम है, वो बनाता है
वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी की जनता को मालूम है। कोई पता नहीं अखिलेश की जनता की। अच्छा किसी की पता नहीं। हाँ किसी की पता नहीं। अच्छा हाँ ये तो ऊपर वाला जो है ना, देखो इस गेहूँ में गेहूँ को जमीन में घुस घुस जाते हैं, बताया कि सड़ी जाए निकल जाएगा ऊपर को, वो ऊपर वाला निकालता है। अच्छा बाली निकालता है इसमें। हाँ ऊपर वाला निकालता है जमीन में से पहला निकालता है बाली, बच्चा पैदा होता है वो ऊपर वाला निकालता है। अच्छा कोई नहीं निकालता है, मुझे तुम्हें बादशाह बना के बैठा लेगा वो ऊपर वाला। अच्छा बाबा हाँ तो अखिलेश को ऊपर वाला बैठा लेगा या योगी को, मोदी को बैठा ले, किसी को बैठा ले, जिसे वो बैठा लेगा वो ही बैठेगा। अच्छा आप लोग तो बता रहे कुछ ना मिल रहा हो, ना राशन मिल रहा हो, ना पेंशन, कुछ नहीं मिल रहा है। ये बात हम झूठ नहीं बोलते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे तो हर बच्चे तो चार लड़के हैं, दो लड़की हैं। अच्छा छः बच्चे हो, खर्चा चल जाता है? दो बच्चे जैसे दिल्ली हैं अपना खाका मार रहे हैं, खाका मार रहे हैं सब, मेरा खर्चा इतना हो रहा है पूरा। तो आपका अल्लाह इस बार क्या करेगा बिलसी में? क्या पता अल्लाह जो करेगा तो होएगा।